अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, ट्यूसडे है आज और हम जो अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। आज लेक्चर है बेटा 3 पॉइंट, लास्ट लेक्चर में हमने करवाई थी 3.6, ठीक है। 3.6 में हमने के मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे ख्याल से उन्होंने कर लिए होंगे। 3.4 और 6 की वेटेसी की मतलब रिलेट करती थी दूसरे, जैसे हमने पहले वो दोनों की। अब 3.1 के बाद 3.2 अब कर रहे हैं, ठीक है। 3.1 हम कर चुके थे, 3.4 कर चुके हैं, 3.6 कर चुके हैं, अब 3.2 की टर्न है, ठीक है। अच्छा, 3.2 में जो स्मार्ट सिलेबस है उसके क्वेश्चन साथ साथ करते हैं। उसमें फर्स्ट जो पार्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 बन रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट का, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 2 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 वाले ही क्वेश्चन है। तो अगर आप ऐसे करो कि पेज नंबर 53 ऊपर तो तुम्हारा डेफिनेशन नजर आएगी आपको, वेरिएशन वेरिएशन में चेंज होती है। चेंजिंग कैसी होती है, तो डायरेक्ट चेंज होती है या इनडायरेक्ट होती है, जिसको हम इनडायरेक्ट को इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएशन की डेफिनेशन, द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑल दी साइंसेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ये टाइप्स ऑफ वेरिएशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये बता दोगे। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, अगर दो क्वांटिटीज, रिलेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के दरमियान में जो हम रिलेशन बना रिलेट कर रहे हैं उनको, दो क्वांटिटीज को, इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी इन कॉज अ इंक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी। ऐसा रिलेशन जिसमें अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैंने एक बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग में मैं ऐसे कहती हूँ कि मेरे पास एक रूम है, चले एक रूम को बनाने के लिए पहले मेरे पास लेबर जो थी वो 5 मुझे मजदूर चाहिए, ठीक है, एक रूम को बनाने के लिए। अब मुझे रूम बनाने हैं 3, तो मुझे लेबर भी क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा, ठीक है, डेज उतने ही है, ठीक है, 5 डेज में। एक रूम बनाने के लिए 2 मजदूर चाहिए थे, 3 रूम बनाने के लिए 5 मजदूर चाहिए होंगे, यानी एक लेबर ज़्यादा हुआ, रूम ज़्यादा हुए तो लेबर भी ज़्यादा करनी पड़ी, एक चीज़ ज़्यादा हुई दूसरी भी ज़्यादा हो गई करनी पड़ी। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, वो होती है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन। ये डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स को दूसरे रूप में लिखा हुआ उन्होंने, इफ वन क्वांटिटी वेरी वाई वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू एक्स, वी से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो उसने कहा है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एक वेरी कर रही है डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, इसको ऐसे लिखते हैं एकदम। और जिसमें उसने ये कहा है कि बाद में हम इस को क्या करते होते हैं, जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता होता है, ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के बाद y इज इक्वल टू x, वैसे जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k कह रहे हैं, ठीक है। जब डायरेक्ट इनवर्स की डेफिनेशन आती है पेपर से भी आई थी रिपोर्ट में, आप लोगों ने ये नहीं किया, डेफिनेशन टाइप करके नीचे ये जनरल फॉर्म भी लिखनी लाजमी, इसके भी नंबर होते हैं, अदरवाइज आपका आधा नंबर कट जाएगा, डायरेक्ट किया है चाहे इनवर्स किया, ठीक है। तो उसमें उसने ये कहा कि जो के है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन फुल हो जाती है। अच्छा, ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है जो उसने जनरल ना थोड़ी सी बातें लिखी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी वो आप रीड कर लीजिएगा लास्ट में। एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, वेरिएशन आ गई है। अगर हम नेक्स्ट करें तो इनवर्स वेरिएशन 55 में लिखा हुआ, अगर आप बुक ओपन करें इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, तो दो क्वांटिटीज इस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से, कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी। जैसे मैं कहूँ कि मुझे रूम बिल्ड करवाना, ठीक है, एक रूम बनाने के लिए 2 मजदूर, एक
ओरिजिनल बात है। दो मजदूर रूम को बना रहे थे 3 दिनों में, दो मजदूर एक रूम को बिल्ड कर रहे थे 3 डेज में। अब मुझे वो रूम जल्दी चाहिए, 3 डेज में चाहिए, मुझे 1 दिन में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेज तो ज़्यादा कम हो गए, मजदूर ज़्यादा करने पड़ेंगे, मैं लेबर ज़्यादा कर लूँगी। पहले जो थे वो दो मजदूर बना रहे थे 3 दिनों में, अब मैं क्या करूँगी, मजदूर 5 कर लूँगी, तो दिन क्या हो जाएंगे? कम दिन एक रहेगा। मतलब दो मजदूर एक रूम को 3 दिनों में बना रहे थे और 5 मजदूर एक रूम को 1 दिन में बना रहे, मतलब लेबर ज़्यादा की डेज कम हो गए। एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी कम हो जाए, या एक कम हो दूसरी ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं, इस तरह के रिलेशन को कहते हैं इनवर्स रिलेशन, या इनवर्स रिलेशन। अब डेफिनेशन अगर आप लोग उन्होंने ये लिखी हुई है इंग्लिश में, ठीक है, इन अदर वर्ड्स वाली बात चलिए, अगर इफ वो अ क्वांटिटी वाई इज इनवर्सली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी एक्स, यू कैन से दैट वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स लिखते हैं। एक अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी डिक्रीज कर देगी, एक अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। जब आपके पास ये डेफिनेशन आएगी बुक मार्क्स की, तो उसके साथ आपने फिर ये जनरल फॉर्म भी लिखनी है, और मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ये आता है, ये साथ होती है। इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि मैं कहूँ ए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एस, तो ये भी लास्ट में बताना जब डेफिनेशन आएगी। ये दो डेफिनेशन थी, इनको आप लोगों ने कर लेनी है, साथ में जनरल फॉर्म भी कर लेनी है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था हमारे पास करना था, हमने वो कह रहे थे y लिखा हुआ, इफ y इज वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 5। फाइंड फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, x फाइंड करें जब ये y दिया हुआ है 28। पहले बेसिक छोटी क्लास में भी आपको तैयार है क्वेश्चन, पहले वाला जो हमें हिसाब है फाइंड से पहले वाला पहले यूज करना है, ये एक पार्ट समझे, ये गिवन वाला हिस्सा समझे, और ये फाइंड वाला हिस्सा समझे। मैं तीन पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करवाती हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये, इस पार्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, वाई को हमने पहले चेंज करना है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देना है, ठीक है, फ्रॉम वन मैंने आपसे क्वेश्चन हमने दिया। अब तो हमने इसको चेंज कर लिया, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप क्या था, चेंज करने के बाद उसमें चीज़ें नजर आ रही हैं, देखती हैं दूसरी वाली पार्ट में उसमें से कौन कौन सी वैल्यूज नहीं है, हमें इसमें वाई एक्स की ही वैल्यू चाहिए, इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ, एक्स और वाई दिया हुआ। अब मैं यहाँ देखूँगी पुट वैल्यू वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इक्वल टू 2 इन 8, ठीक है, इन 1। पहली बात होती है इसको चेंज करना है, दूसरी बात इसको यूज करना है, फिर जब सब कुछ हो जाए फिर फॉइंट की तरफ आते होंगे, ठीक है। तीन पार्ट्स में इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है इस क्वेश्चन को, फिर नीचे मजबूत करना, हमने ये वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं, 8 एक्स वाई चला 8 एक्स इजल, अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ भी लिखा दो, ठीक है, यहाँ के चाहिए हमें क्योंकि के की वैल्यू नहीं है, वैसे करते हैं कि इक्वेशन में तो टू के यहाँ लिखे के आ 4। जो के आता होता है उस के को हमने अपनी पहली इक्वेशन में पुट करना होता है जो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के बनी होती है। पुट के इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मतलब जो कि कोई इक्वेशन थी, ये इसमें ये जो बना दिया मैंने 4, ये बना था वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमें चाहिए थी इसको सॉल्व करने के लिए। हर क्वेश्चन में जो भी प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होते हैं, आता होता है वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपने पहले इस पार्ट को सॉल्व किया, मैंने फिर देखा मैंने उसने पहले क्या दिया हुआ है, बाद वाला दिया हुआ नहीं देखना, पहले क्या देख रहा है वो वहाँ पर पुट कर देना फर्स्ट में, जब आप पुट करोगे तो वहाँ से कोई की वैल्यू आएगी, वो के की वैल्यू इसमें पुट किया करें, मकसद हमारा था के की वैल्यू फाइंड करना ताकि हम इसको के को निकाल के वहाँ से के की वैल्यू पुट कर सकें, हमने वो ये बना लिया। अब हमारे पास आ गई है ये वाली इक्वेशन, अब हम चलते हैं अपने सेकंड के बाद थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या करना है, फाइंड उन्होंने कहा हुआ है, तो आप देखोगे व्हेन एक्स फाइंड करें व्हेन वाई इज इक्वल टू 28, तो जहाँ जहाँ आप देखें इसका मतलब है कि एक्स फाइंड करना है जबकि वाई की वैल्यू गिवन है, तो मैं ऐसे कहती हूँ वाई की जगह दे देती हूँ 28 4 वैसे ही और एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब एक्स फाइंड करना है 5 4 4 को वहाँ ले जाती हूँ,
और ये आ गया सेल, ये चाहिए हमें। फिर सुन ले प्रोसीजर जो है ना, क्या करना है, सेल फंक्शनलिटी को हटाना है, एक इक्वेशन आ जाए, फिर इनको यूज करना, वो जब यूज करेंगे के आ जाएगा, जब के को बहुत आ जाएगा उस के को अपनी पहली बनी हुई इक्वेशन में पुट करना है। ये तीन स्टेप याद रखना, वो पुट करने के बाद आपके पास ये जनरल इक्वेशन बना करेगी। फिर आ जाए आप तीसरे पार्ट की तरफ, जहाँ हमने सॉल्व, असल में ये चीज़ फाइंड करनी थी ना, लेकिन पहले इक्वेशन बनाते ऐसे तो सॉल्व करते, फिर पुट किया और सॉल्व किया। अगर वो वाई सॉल्व करने का कहता और एक्स दिया होता, अब उसने एक्स सॉल्व करने का कहा था और वाई दिया होता, वो कोई भी वैल्यू फाइंड करने का कह सकता है। पर सोली ये था कि हमारे पास के होना चाहिए जिसको हम इक्वेशन में पुट कर सकते। तो ये हमारा पार्ट वन हो गया। आप देख लें एट वाला उसको स्टार्ट करवा देती हूँ, बाकी फिर आप लोग ऐसे करते हैं। जो मैंने स्मार्ट वाले क्वेश्चन नोट करवाए हैं वाली ये सारे बंदे जहाँ से ना समझ आए पूछ लें। अच्छा एक बात मैंने और बता दी थी, आपने असाइनमेंट सेंड की है अपने जो असेसमेंट वाला पहला टेस्ट हुआ था उसमें फोर्थ चैप्टर का जो क्वेश्चन आया हुआ था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा जब आए ना उसमें गलती थी सबकी, सवाई बच्ची की असमा थी उनकी गलती नहीं थी, बाकी पूरी चारों सेक्शन की ही गलती थी जिससे भी असाइनमेंट की है कि जब लिखा आता है ना रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो रिजॉल्व का मतलब होता है उसको पूरा हल करें, पूरा सॉल्व करें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें लॉन्ग में तो करना ही होता है ना, जब शॉर्ट में आ जाए राइट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसका मतलब है जो क्वेश्चन किया ना उसको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करने खत्म कर लें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ए ओवर बी, सी ओवर डी, ए ओवर समथिंग, बी ओवर समथिंग, वो ऐसे में राइट करके ना क्वेश्चन वहाँ एंड अप कर देना, आप ही सॉल्व करने लग जाना। और वैसे भी वो लेंथी क्वेश्चन आपको देखना चाहिए था क्योंकि शॉर्ट में नहीं आ सकता, तो उसके पीछे भी ये था कि उसे उन्होंने राइट करने का लिखा था, उन्होंने उसको रिजॉल्व करने का नहीं लिखा था। जब रिजॉल्व करना लिखा है तो आपने पूरा सॉल्व करना है, उसको पहले पार्ट डिवाइड करना है फिर सॉल्व करना है। जब राइट करना आए तो जस्ट राइट करते होते उसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाते। अच्छा तो सर नंबर एट का मैं स्टार्टिंग करवा देती हूँ क्योंकि वो जो है आपके पास यही बिल्कुल ठीक बातें नहीं हुई है। देखिए फोर वेन एक्स इक्वल्स टू थ्री फाइंड, देखिए कोई जितना मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल ऐसे ही फाइंड एक्स वेन वाई इज इक्वल्स टू 24। देखिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट तीन से करिए बिल्कुल स्टेप चाहिए। पहले जो किया था इसको चेंज करना है प्रोपोर्शनलिटी को, देन क्या करना था पुट करना था इसको इनको, वो क्या थी पुट वाई इज इक्वल्स टू 4 एक्स इक्वल्स टू 3 इन 1 पुट कर लेते हैं, वाई की जगह फोर लगा लेते हैं। पर इसमें फर्क नहीं था ना कि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया था, बाकी तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के की वैल्यू निकाल ली थ्री को यहाँ ले लेती हूँ, थ्री फोर जन वैल्यू हो जाएगा, ये के आ गया। अब क्या करना था पुट टू के इज इक्वल्स टू 12 इन 1 इन इक्वेशन 1 को हम कर लेते हैं वाई इज इक्वल्स टू के ओवर एक्स का के की जगह लगा लेती हूँ मैं 12 ओवर एक्स, ये इक्वेशन 1 की मेरे पास। अच्छा अब इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, देखिए थर्ड वाला काम करने लगे क्या कह रहे थे वाई जी को ट्वेल्व और एक्स को यूज़ करना था, उसने कहा एक्स फाइंड करो जबकि वाई दिया हुआ है 24, यानी वाई दिया हुआ है 24 और एक्स हमने फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो डिवीजन के नीचे लिख दी जाती है, हम इसको ऊपर ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, एक्स यहाँ चला जाएगा और 12 24 आ जाएगा, 1/2 आ गया, ये आपके पास एक्स का आंसर आ गया। यही करते जाओ तो ये आपकी ऐसी होती है बहुत ईजी सी है, पहले भी करते रहे हैं और मैंने आपको करवा दी है, डेफिनेशन लर्न करनी है और साथ में क्वेश्चंस कर लेने हैं, फिर इंशाल्लाह जो बाकी काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।